जी देखिए आप मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं, रहने दीजिए, मैं ना मिलाप जवेरी के साथ ही अपनी फिल्म बना लूंगी। उनके साथ मिलाप, उनका नाम ही गलत है मिलाप। क्यों? उनसे मिलने जाओ पहले पेट आता है। अच्छा चलिए ठीक है, आप ही डायरेक्ट कर लीजिएगा, पर बताइए ना हम हीरोइन किसे लेंगे? मैडम मैडम मैं फनी लियोनी, सनी लियोनी की बहन, मुझे आप हीरोइन ले लीजिए प्लीज। देखिए मेरी दीदी ने ना डबल रोल किया है, मैं ट्रिपल रोल करने के लिए भी तैयार हूँ। ट्रिपल रोल? तुझे एक बात बताऊँ? हाँ? किसी को बताना नहीं, नहीं। तुझे इस शो से भी निकालने वाले हैं। अगर ये बात करेंगे हो सकता है आज ही निकाल दें। सर आप भूल गए ना? सही बोल रही, बच्ची कर लेगी। लेकिन हम इसे कास्ट किसके साथ करेंगे फिर? अब मैं किसी के भी ऑपोजिट कास्ट होने को, मैं वीरदास के ऑपोजिट भी हीरोइन बनने को तैयार हूं। अच्छा हाँ। अच्छा क्या वीरदास उधर है? उधर है हाँ। अच्छा क्या वीरदास तुम्हारे साथ एक्ट करने को तैयार होगा? मैं अभी पूछ के आती हूँ, अभी बता। मज्जा क्यों? तूने उसकी फिल्म देखी है बेली डेली? डेली बेली हाँ, वही मैंने उल्टा कर दिया उसको। देखी है ना कितनी गालियां निकाली है उस फिल्म के बाद, इसने किताब भी निकाली थी गालियों की। मैंने खुद शेयर खरीदी थी अपने खानदान को बकने के लिए। अरे देखिए ना सूरज जी, आप मुझे बहुत कंफ्यूज करें। एक काम करते हैं, आप पहले मुझे कहानी सुना दीजिए, फिर हम डिसाइड करेंगे कि हम हीरो और हीरोइन किसे लेंगे। ठीक है? लेकिन याद रखिएगा कहानी एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए। साफ सुथरी, ड्राई क्लीन कराई हुई है मैंने। सुनाइए। सुनिए, हीरोइन घर से निकलती है नहा के, फिर दरिया में नहाने चली जाती है। और अभी तो नहाई थी, फिर से जाके क्यों नहा रही है? और रास्ते में धूल लग गया ना, मैं चाहता हूँ साफ सुथरी बने। अच्छा ठीक है। दरिया में नहाने गई है, कॉस्ट्यूम पहन के नहा रही है, पूरा गांव उसको देख रहा है। जी, ये बहुत गंदी फिल्म है, हटिए, मैं जा रही हूँ। यहाँ पर क्या रास्ता नहीं बनाया इन लोगों ने? अभी दरवाजा बनवाता हूँ यहीं पे। कैसे लगे हमारे शकील भाई? माइंड ब्लोइंग, और सबका काम माइंड ब्लोइंग, मतलब सब ब्लोइंग हुआ है। अरे हर चीज ब्लो हुई है। शकील भाई हमारे बड़े सीधे आदमी हैं। मैंने तो शकील भाई को पूछा, शकील भाई ये प्लेन को रंग कैसे करते होंगे? कहते बेटा आप जब ये उड़ के ऊपर जाके छोटा होता है ना तभी करते हैं। लाओ जी, आपको पता हमारी पूजा छोटे कपड़े पहन के सनी को टक्कर दे रही है। लेकिन ऐसी लड़कियां कैसे टक्कर दे सकती हैं? सनी जैसी लड़कियां रात को पिंक नाइटी पहन के ऐसे पाउटी लिप्स के साथ सोती है, ऐसी लड़कियां घर जाती है भाई का पजामा, बाप की टी शर्ट ऐसे करके सो रही होती, कहां टक्कर दे पाएगी यार? ये तो फिर भी पजामा और टी शर्ट पहनती है, श्रुति जैसी लड़कियां है, चेक्स की लुंगी बांध के ना पहले दो पैग मारती है, फिर अपने पति को मारती है, फिर जाके कहीं सोती है। चलिए जोरदार तालियां हो जाए। ये बनी थी हमारी फनी लियोनी और आपके पास है सनी लियोनी, तो फनी और सनी का एक परफॉर्मेंस तो होना चाहिए ना। पानी वाले गाने में पानी गर्म हो चुका है, जिस इसको नहाना है आ जाओ। चलिए एक बार जोरदार तालियां सनी और पूजा के लिए। क्या बात, कितनी अच्छी जोड़ी लग रही ना वीर, है ना? ऐसा लग रहा है सनी लियोनी के बगल में फाल्गुनी पाठक बैठे। चलिए मिलाप जी आपको थोड़ा रेस्ट देते हैं, आप जरा बगलों से हाथ निकालिए और इधर आ जाइए, लड़की को थोड़ा अकेले रहने दे। ठीक है ओके। मिलाप जी आपको पता हमने आपको रेस्ट क्यों दिया है? हाँ। ताकि हमारा सोफा भी थोड़ा रेस्ट कर सके। सनी आपकी जो फिल्म आ रही है मस्ती ज्यादा, एक नॉटी बच्चा है उसको आपकी फिल्म देखने जानी है, लेकिन ना उसकी टीचर उसको जाने नहीं दे रही, बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है। वही बच्चा और टीचर आ रहे हैं, प्लीज वेलकम मुबीन और अनीता। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ चिंटू, मेरे बड़े भाई का नाम है चिनवन और छोटे वाले का नाम है चिंथरी। तो इस हिसाब से मेरी माँ का नाम क्या हुआ? चिंता। क्योंकि जो हर साल एक बच्चा पैदा करेगी उसका नाम चिंता ही होगा ना, लेकिन इससे ना मेरे बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो बस चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता ये वाला गाना सुनते रहता है। हेलो सनी आंटी जानू, सॉरी सॉरी मैंने आपको आंटी बोल दिया। आंटी मत बोलो। सनी जानू कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं ना आपका बहुत छोटा सा फैन हूँ।
लेकिन आपकी फिल्में देखकर धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा हूँ। कोई बात नहीं सुरेश अंकल, आपसे एक सवाल पूछूं? पूछो। पूछ लूं? आप बार बार मोटे होने के अलावा और क्या क्या करते हैं? मेरे को ना मस्ती ज्यादा देखना है मिलाप अंकल, लेकिन मेरी टीचर मेरे को देखने नहीं दे रही है। मेरे को दिखा दो, मस्ती ज्यादा दिखा दो प्लीज। चिंटू, चिंटू, तू उसे छोड़ के क्यों भाग गया? ओ टीचर, आज सनी लियोनी आई है, वो देखो मेरा बाप भी ऑडियंस में बैठा है। सुबह से ना जिद कर रहा है, मस्ती ज्यादा देखनी है। हाँ मेरे को देखनी है, मस्ती ज्यादा देखनी है। तू छोटा बच्चा है। नहीं मैं बड़ा हो गया हूँ, यकीन नहीं होता, सिक्का उछाल के दिखाऊं? अब भी दिखाता हूँ, देखो। देखा, उछल गया सिक्का, मैं बड़ा हो गया। कुछ भी बदतमीजी करते हो, बस नाचना है, गाना है, मस्ती करना है। हाँ मेरे को नाचना अच्छा लगता है। अभी एक हफ्ते पहले सनी आंटी मेरे को डिस्को में मिली, मैंने उनको बोला मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ, तो मेरे को एटीट्यूड दिखानी थी, बोलती मैं बच्चे के साथ डांस नहीं करती। मैं बोला ओ आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था आप प्रेग्नेंट हैं। कान खींच के ना मारूंगी तुम्हें। ओ टीचर मेरा कान नहीं खींचना, सच्ची बोल रहा हूँ, मेरे वजह से राजेश दुग्गल है ना बाप बन गया। राजेश दुग्गल बाप बन गया? हाँ मेरे बाप का नाम है ना राजेश दुग्गल, मैं जैसे पैदा वो लोग बोले मुबारक बाप बन गए। जैसे तू बातें कर रहा है ना, मुझे नहीं लगता कि लाइफ में कुछ कर पाएगा, कुछ बन पाएगा। तुम्हें अगर कुछ बनना है ना, तो मिलाप ज़वेरी जैसा बनो। नहीं वो बहुत मुश्किल है, कौन रोज के 300 पिज्जा 150 बर्गर खाएगा? बस बदमाशी करनी आती है। बदमाशी नहीं, मेरे को मस्ती ज्यादा देखना है। मैं सनी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, मेरे को तो इनकी मिमिक्री भी आती है सनी जी की। चुप करो, मत करो। नहीं सनी जी की मिमिक्री आज हो जाए। मैं बोल रही हूं, आज पहली बार टेलीविजन पे सनी जी की मिमिक्री होगी। पहली बार खाएगा। ओए, ओए, ये मजदूर कहाँ थे? लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल लेता है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मुबीन और अनीता के लिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारे मुबीन जी हैं, कॉमेडियन तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ इनका ना शेयर मार्केट का भी बिजनेस है। लोगों की बेडरूम की फोटो मार्केट में शेयर करके पैसा कमाते हैं। और अनीता ये वही है जिसकी बेडरूम में फोटो खींच के पैसे कमाते हो। अरे तो एक बार जोरदार तालियां मुबीन और अनीता के लिए। सनी वीर जी, जी आपने तो हमारा शो देखा ही होगा, कृष्णा सुदेश का जब भी एक्ट होता है बेचारी अदा को लाइन ही नहीं मिलती। तो गुस्से से उसके पापा यहाँ पर आ गए हैं, पता नहीं क्या होने वाला, वो आप लोग ही देख लीजिए। प्लीज वेलकम कृष्णा सुदेश और मिलाप जी, हमारे शो की सबसे ज्यादा हॉट सेक्सी लड़की अदा। क्या क्या फिल्में की यार इन्होंने, कमाल की। रणदीप हुड्डा के साथ, नसीर साहब के साथ, और ओ हो हमारे जय भानुशाली के साथ। अच्छी शक्ल वालों से आपको प्रॉब्लम है क्या? होता है। खैर फिर भी मस्ती ज्यादा सुपर हिट होने वाली है, उसके लिए जोरदार तालियां। क्या बात है, बड़े बड़े स्टार हमारे शो पर आते हैं, हमारे मिलाप जवेरी जी के लिए जोरदार तालियां। इनके नाम में देखो, ये आदमी के नाम में कितनी सेंसुअसनेस। मिलाप हो, अलग अलग तरीके के मिलाप होते हैं, और जवेरी, जवेरी का काम होता है सोने का, तो समझ जाओ भैया इनका। कमाल कमाल की फिल्में लिखी यार इन्होंने, कमाल की फिल्में। हाय हाय, मैं तो कहता हूं मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक ही चीज कहूंगा, बहुत ही बड़े नल्ले राइटर हैं हर्ष लिम्बाचिया जी। अपने राइटर की बात कर रहा हूँ सर मैं, एक नंबर का सारा नल्ला राइटर, क्या क्या बेइज्जतियां लिख के देता है तू हमको बोलने के लिए। खैर सुरेश मेनन जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ये है नॉटी फिल्मों के जॉनी लीवर, लेकिन बहुत बढ़िया काम करते हैं, और कितना भी हम मजाक मस्ती कर लें, लेकिन वीरदास के लिए एक ही चीज कहूंगा कि वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक एक्टर्स और कमाल का टैलेंट जो हमारे हिंदुस्तान में है, वीरदास के लिए जोरदार।
सर लाइफ में बहुत परेशानी आ गई है, मतलब हमारी जो इधर की अदा है जो हमारे साथ काम करती है, मतलब उसके डैडी बहुत परेशान हो गए हैं कि यार तुम अदा को ऐसा बोलते हो वैसा बोलते हो, मतलब बड़ा टेंशन होता है यार, पता नहीं इधर आते ही होंगे साला परेशान करेंगे भी आके यार। सनी लियोनी आई है, क्या बात है। सबसे पहले मैं बीन बजा के इसको वश में कर लूं यार। बीन तो बजनी नहीं, मैं जादू से करता हूं। अच्छा ए, मेरे वश में आ जाओ। इंगड़ चिंगड़ पिंगड़ या पड़ किचड़ के करके चापड़ी की पोकड़ा पड़ किचड़ के कर पे। कहाँ हुई वश में? अभी बोलना सीखा, करना नहीं सीखा जादू। लेकिन एक बात सुनो, मेरे साथ यहाँ पे धोखा हुआ। मैंने कहा कि मेरे साथ स्पॉट दादा आएगा, कहते नहीं आ सकता हमारा बजट नहीं है, तो सनी लियोनी के साथ ये मिलाप क्यों आया? चक्कर क्या है? अबे वो राइटर डायरेक्टर है, क्या बकवास कर रहे हैं आप? अच्छा बॉय को ही डायरेक्टर बना दिया यहाँ पे, ये खराब हो रहा है काम है तो बेवकूफ बनाया जा रहा है। ज्यादा बकवास नहीं करना, अभी मैंने बताया नहीं बहुत सारी फिल्में लिखी है, मस्ती ग्रैंड मस्ती है वो सब। हाँ मतलब ऐसी नॉटी फिल्में एक चर्बी वाला आदमी लिख सकता है। क्या भाई जरा हम बाद में बात करते हैं, हम विदाउट चर्बी से बात करते हैं। हाँ जी, हाय हाय आपका गाना आया है ना, ये धोखेबाज लड़की तेरे को पता है? अच्छा? ये सिर्फ सुंदर दिखती है, अंदर से बहुत धोखे देती है। हाँ, इसने गाना बोला लैला तुझे लुट लेगी तू लिख के ले ले, मैं कब से लिख के बैठा हूँ, लुटने आती नहीं, छुट्टी है। अरे मैंने तो वो भी पिक्चर देखी जिस्म टू। अरे रणदीप हुडा क्या मसाज कर रहा था यार जिस्म टू में। अरे मैडम कभी मेरे से भी करवाइए, मैं बेटर करता हूँ।